वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। तो लास्ट वीडियो यानी कि एपिसोड 6 में हमने देखा था कि हम काला डूंगर पे गए थे जो कच्छ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और वहाँ पे मैग्नेटिक हिल भी था तो मैग्नेटिक हिल पे मैंने अपना एक्टिवा चलाकर भी देखा था। तो ये सब आपको एपिसोड 6 में देखने मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो रुकता हूँ, तो मुझे वहाँ की अगर सर्विस अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए उसका वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो आप भी वहाँ पे रुक सको। तो वैसे ही मैं रिजॉर्ट रन रजवाड़ी में रुका था और मुझे वहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इसको पर एक वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम भी हुआ था तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ ना उस यहाँ का नाम है रिजॉर्ट रन रजवाड़ी, तो काफ़ी अच्छा एक रिजॉर्ट है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लाइक वीडियो बनाया जाए। और यहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवी शूटिंग भी हुई है और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ से जो एग्जैक्ट जगह, इस जगह को कहते हैं भिरंडियारा, अगर आपको भिरंडियारा में रूम लेना है तो आप भिरंडियारा में यहाँ पे रिजॉर्ट रन रजवाड़ी में अपना रूम ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप सुबह या शाम को, आपके जो डिपेंड करे, अगर आपको सनराइज़ या सनसेट देखना हो तो आप सुबह आप निकल सकते हो, वरना शाम को, जैसे कि मैं करीबन तीन चार बजे निकल गया था रन उत्सव जाने के लिए, तो मैं करीबन 4:30 के आसपास पहुंच गया था। काफ़ी अच्छा मैंने सनसेट इन्जॉय कर लिया था। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे पार्किंग और यहाँ पे रूम कैसे काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल जो कच्छ होता है ना, वहाँ पे पूरा एक हट बनाया हुआ है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये काइंड ऑफ पूरा एक पार्किंग एरिया, काफ़ी बड़ा एक पार्किंग है जहाँ पे मेरा एक व्हीकल पार्क है। और यहाँ पे जो दो भैया है मेरे साथ उनका एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क है यहाँ पे। और ये इसका एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड के और पॉलिटिशियंस के फोटो दिख जाएंगे। ये मेरा रिसोर्ट है बन्नी भिरंडियारा चेक पोस्ट के पास में है, जहाँ पे व्हाइट डेजर्ट की टिकट मिलती है। रिसोर्ट रन रजवाड़ी @gmail.com करके आप ओपन करेंगे तो सारी ऑनलाइन पे पैकिंग होती है। हाँ, मेरी मेन बिजनेस आज से 9 साल पहले जी थी वस्त्रकला एम्ब्रॉयडरी की थी, जिसे मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अच्छा। ज्ञानी ग्यारह सिंह के हाथ से। अच्छा। तो नरेंद्र भाई वड़ा प्रधान हमारा गुजरात ना, जैसे मुख्यमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब ही मेरे को नाम से पहचानता है। अच्छा। हीरा भाई के नाम पर पहचानता है। अभी नरेंद्र भाई मोदी मेरे शॉप पर आए थे। हाँ। जिसको मैंने टोपी पहनाई, अभी नरेंद्र भाई मोदी टोपी से वो होता है कि हीरा भाई मेरे को टोपी मत पहनाओ, लोग टोपी राम बोलेंगे। अच्छा इंसान है, मेरी दोस्ती भी है आज, तो मुझे गर्व भी है। अच्छा। कि ये बड़ा प्रधान बन चुका है। अच्छा। और ये सोनिया गांधी है। अच्छा। ये सोनिया गांधी का खास वजह ये, जब भूकंप हुआ, जब मैं दिल्ली हाट में था, हैंडीक्राफ्ट का एक फेयर था, एग्जीबिशन था, तो अहमद पटेल ने बोला सोनिया गांधी को कि राजीव गांधी को जो मोजड़ी पहनी हुई है वो हीरा भाई ने पहनाई है और भूज कच्चा आया है। तो सोनिया ने कहा प्लीज मुझे हीरा भाई से मिलाओ। अच्छा। तो मैं सोनिया के घर पे गया था। अच्छा। और सोनिया को एम्ब्रॉयडरी वाला जैकेट पहनाया। हाँ। और ऊपर टोपी पहनाई। और सोनिया ने बोला कि हीरा भाई कच्छ भुज का घाघरा लेके आए तो वो भी मुझे पहनाओ। अच्छा। कि मैं 5 मिनट अंदर दुल्हन बन जाऊं। अच्छा। तो वो सारे अखबार न्यूज वाले खड़े थे। हाँ। तो उनने सारा वही चलाया। अच्छा। पूरा दिन दिल्ली के अंदर हीरा लाल भुज कच्छ से आकर के सोनिया को दुल्हन बनाई। अच्छा। और यहाँ पे गोरी तेरे प्यार में करीना कपूर, अनुपम खेर, इमरान खान, ये यहाँ की शूटिंग है अपने रिसोर्ट की। अच्छा। और कब मिलेगा मुआवजा, ये भी यहाँ की शूटिंग है। अच्छा। और दो कन्नड़ पिक्चर जो हो गया। हाँ। वो भी यहाँ की शूटिंग है। अच्छा। और हेलारा जो हुआ। हाँ, हेलारा। वो जो आपको मैंने रूम दिया है। हाँ, गुजराती मूवी। हाँ, तो वो भी यहाँ के हुआ है। अभी एक गुजराती पिक्चर आने वाली है, वो फेब्रुवरी मैंने इसको टेन दिया बेटा। ये राजपाल यादव और ये जो मूवी में आता है अपना इनका, अच्छा सर नाम है, सीरियल में भी आते हैं। अच्छा, क्राइम पेट्रोल में आते हैं। क्राइम पेट्रोल में आते हैं। जी। और ये हमारा
ओपनिंग है। अच्छा। ये हमारा वासन भाई आहिर जो मेरा रिसोर्ट का ओपनिंग हुआ इस कैंप पे आए थे एमएलए यहाँ भुज कच्छ का। अच्छा। तो एक्चुअली कल ही उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक मेरा रूम नंबर 3 है तो मुझे तो पता नहीं था, पर जब मैं खाना खाने बैठा था तब इन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पे आपका लाइक रूम है रूम नंबर 3 वहाँ पे बहुत सारे लाइक गुजराती और बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है। तो अभी मैं आपको यहाँ का रूम बताता हूँ और यहाँ पे ये आपको भैया मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से इन्होंने लाइक सर्विस दी है। इनका जो खाना था वो भी काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच होता है जी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पूरा इंक्लूडिंग होता है। रात को कल्चर प्रोग्राम होता है जो मैंने आपको दिखाया था तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर कोई भी यहाँ पे आता है भीर इंडियारा में तो रिजॉर्ट रन रजवाड़ी में आप स्टे ले सकता है। काफ़ी अच्छा लाइक रिजॉर्ट था। लाइक क्या होता है ना कि जो कच्छ में जो यहाँ के जो टेंट है वो काफ़ी लाइक एक्सपेंसिव है, तो किसी को लाइक बजट में चाहिए, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वह यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप यहाँ पे भीर इंडियारा में रिजॉर्ट रन रजवाड़ी में अपना रूम ले सकते हो। तो अभी मैं आपको एक बार यहाँ के रूम दिखा देता हूँ। सो ये हट नंबर 3 है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था। मुझे काफ़ी धूप हो गई, थोड़ा सा काला आ रहा होगा। सो देखो ये नंबर रूम नंबर 3 जहाँ पे मेरा स्टे था। और ये थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या है ना थोड़ा सा पुराना है ना, तो इसको थोड़ा सा खोलने में से दिक्कत आती है क्योंकि ये पूरा ट्रेडिशनली बनाया हुआ है डोर, तो इसको कुछ भी लाइक डोर को चेंजेस नहीं किया है। अब जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बेड दिखेगा और यहाँ पे एक पंखा है, तो पूरा एक काइंड ऑफ पूरा एक ट्रेडिशनल ही है लाइक। उसी बात है कि पंखा ही चेंज किया, बाकी कुछ भी यहाँ पे इतना कुछ चेंजेस नहीं है। सब कुछ अगर यहाँ पे आप रूम ले रहे हो तो पूरा आपको ट्रेडिशनल ही देखने मिलेगा। ऊपर भी पेंटिंग में देखो, तो वॉशरूम में दिखा देता हूँ। ये एक रजवाड़ी पेट रजवाड़ी नाम इसका ऐसे रखा गया है कि मैं एक खुद क्राफ्ट मैन हूँ। हाँ। इसको बन्नी का भूंगा बोलते हैं। अच्छा। तो ये भूंगा मैं खुद बनाता हूँ। ये ओनली रजवाड़ी नाम ही इसकी जगह पे रखा गया है। हाँ। कि रिसोर्ट रन रजवाड़ी। हाँ। ऊपर का जो लुक हमने दिया है। हाँ। वो पूरा हैंड वर्क है। अच्छा। साइड में देखेंगे इसका मिट्टी का हैंड वर्क किया गया है। अच्छा। ये हमारी पूरी रेडिश का काम है। अच्छा। ऊपर पेंटिंग का जो काम है वो ड्रॉकनिंग मेरी है और रंग इसके अंदर मेरी बच्ची है दो और मेरा भजन किशोर, इन लोगों ने रंग बिरंगी ऊपर डाला हुआ है। अच्छा। नेचुरल मिट्टी है ये बन्नी की। हाँ। जो बन्नी की मिट्टी बोली जाती है, बन्नी की मिट्टी। अच्छा। तो ये मिट्टी है। अच्छा। ये हम अमेरिका जा रहे हैं या लोनावाला या मद्रास बेंगलोर कहीं भी जाते हैं तो ये मटवक जिसका नाम है तो मिट्टी हमारी बन्नी की यहाँ की यूज होती है। अच्छा। ये मिट्टी हम साथ में लेके जाते हैं। अच्छा। ये मिट्टी और कहीं जगह पे नहीं मिलती है। अच्छा। ये पानी नहीं आएगा तो 100 साल तक इसकी कोई डिजाइन की रूम के अंदर कोई खराबी नहीं होगी। अच्छा जी। और बाहर का जो लिपन है वो हर साल हमको लिपन देना पड़ता है बाहर का। कह रहा हूँ कि जो अभी हम खाना बना रहे हैं वो खाना प्योर देसी चूल्हे पे बनते हैं, जब उबलने लगते हैं फिर इसको गैस पे बनाया जाता है। तो खाना जो हमारा स्वादिष्ट होता है इसकी वजह यही है, और खास करके मसाला नहीं डालते हैं। बाकी जो बाजरा होता है वो भी यहाँ का देसी का ऑर्गेनिक खाना होता है, कोई दवाई वाली चीज़ नहीं डालते हैं। तो मैं आपको जो स्टे किया है मेरे पास, मेरे गेस्ट और मेरी बेटियाँ मेरी बहनों है उनसे मैं आपको मिलाता हूँ और उनसे ही मैं प्रवचन कराता हूँ कि खाना आपको कैसा लगा। बेटा आप कीजिए जरा खाना खाया। हाँ सही बात है, ये जो बोल रहे हैं हीरा काका उनकी बात सच में सही है। यहाँ पे वो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं लेकिन बहुत स्वादिष्ट है उनका खाना। प्लीज़ आप जरूर जरूर से यहाँ पे आइए रण उत्सव और या इसी रिसोर्ट में रुकिए। मैं कल रात को खाते समय मेरे जीजा जी को ऐसे आज तक खाई नहीं मैंने खिचड़ी। खिचड़ी में क्या है बेटा, खिचड़ी जो है ना हमारा मंग जो देसी मंग होता है वो बारिश से पकता है जिसके अंदर कोई दवाई नहीं डालते, बाजरा भी वही होता है। हम एक साल का इकट्ठा करके अनाज रखते हैं रिसोर्ट को, हमारे बच्चे को खाने में काम आता है वो खाने। इतना टेस्टी था खिचड़ी, तो चला जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी खिचड़ी, बहुत टेस्टी था, सही में बहुत टेस्टी था और मजा आया खाने का। भी अपना देसी दोबारा आएंगे तो आपकी मुलाकात जरूर लेंगे। बढ़िया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पेंटिंग भी की हुई है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और एक छोटे से गांव जैसे भी फीलिंग देता है। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे एक
ऐसा लग रहा है कि आप एक छोटे से गांव में रुके हुए हो। सो एक डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग खाना खाया करते थे। मतलब ऊपर देख पा रहे कि पूरा हट है, मतलब एकदम हट जैसी फीलिंग है, पूरा ट्रेडिशनल ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडिंग था और कल्चर प्रोग्राम भी था। तो ब्रेकफास्ट पे सुबह तो यहाँ पे पोहा था और डिनर पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डिनर पे क्या था। वो लहसुन वाली चटनी है, वो घी है, वो कचुंबर है, ये पापड़ है। अच्छा, तो ये तो ब्रेकफास्ट और डिनर था, पर यहाँ पे शानदार कल्चर प्रोग्राम भी होता था जो अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। वो जांच है और इनके पास ये तंबूरा है, तंबूरा है, ये खड़ताल है, खड़ताल है, और ये देश विदेश भी जा चुका है, सोनू निगम के साथ में भी इसने बजाया है। बेटा कहाँ गया है बता इनको? पेरिस गए हो? उसको क्या कहते हैं? घड़ों का मेलो। अच्छा, ये कच्ची इंस्ट्रूमेंट है घड़ों का मेलो। ये जांच है, जांच जांच जांच। अच्छा, और इसको सितार बोलते हैं, तंबूरा भी बोलते हैं। अच्छा, और ये खड़तार, खड़तार। अच्छा, सभी जो गा रहे हैं उसको कच्ची बोलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गुजराती थे और यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी चल रहा था। तो यहाँ पे दिन का अंत गरबा के साथ हुआ। तो ये वीडियो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भिंडियारा से माता नो मढ़ के लिए निकलने वाला हूँ। मैंने जैसलमेर, जोधपुर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, करीब 140 से अधिक वीडियो बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रायल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।